फ्रेंड्स, आज के इस वीडियोज में हम लोग देखने वाले हैं क्लास टेंथ वालों के लिए, मैट्रिक बोर्ड छात्रों के लिए, जितने भी छात्र 2024 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उन सभी छात्रों के लिए दोस्तों मैथमेटिक्स का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सेशंस करने वाले हैं, जो आप सभी के एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके के पैटर्न रहने वाले आप सभी को, तो वीडियो को सारे अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर लीजिए सभी छात्र, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, अंत तक सभी देखना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट का लिंक है starcustard.com, यहाँ पर आप लोग को हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे बिल्कुल न्यू पैटर्न पर। तो जाके आप लोग जरूर विजिट कीजिए या फिर गूगल पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एक मार्क के क्वेश्चन दोस्तों आप काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एक नंबर वाले क्वेश्चंस को भी काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, और इसी तरीके से मैं आप लोग को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव साथ साथ ऑफ सब्जेक्टिव भी बताने वाला हूँ। देखिए, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं, क्या कहा गया, देख लो क्वेश्चन है यहाँ पे कि कहा गया कि बिंदु -3, +5 किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, देखिए ये निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले चतुर्थांश को समझेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से मान लेते हैं कि ये कोई चतुर्थांश है आप लोगों को। ठीक है, और एक्स वाई, ये आपको फर्स्ट होता है, ये आपका सेकेंड, और ये आपका थर्ड, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट में क्या होता है आपको प्लस और प्लस होता है दोनों एक्स और वाई, सेकेंड में होता है माइनस एक्स और ये प्लस वाई। ठीक है, तो मैं माइनस प्लस लिख देता हूँ डायरेक्ट। थर्ड में दोनों माइनस होती है और फोर्थ में आप लोगों को यहाँ पे प्लस और माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि बिंदु -3, +5 मतलब माइनस उसके बाद प्लस है, तो माइनस प्लस किस में है, द्वितीय में है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, सेकेंड चतुर्थांश है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर एक का बी आपका राइट हो जाएगी। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए इसी तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है परिमेय संख्या है। पहला है 2 -√3, तो √3 कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो किसी भी अपरिमेय संख्या में हम लोग जोड़ते या फिर घटाते हैं तो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो ये पहला क्या हो गया आपका, अपरिमेय संख्या हो गया। दूसरा देखते हैं √5, तो √5 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा नंबर देखो 2√3/√3, देखने से लग रहा है अपरिमेय संख्या, लेकिन √3 से √3 जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 2। तो 2 कौन सी संख्या है, ये आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, p/q। √6 तो आप लोगों को पता ही होगा क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 का सी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं, कहा गया कि एक द्विघात समीकरण का घात होगा। देखिए एक द्विघात समीकरण का घात कितना होता है, जब भी पूछा जाएगा इस तरीके के प्रश्न, रैखिक बहुपद, एक घात वाले, द्विघात वाले, त्रिघात वाले, चतुर्थ घात वाले। ठीक है, जो भी यहाँ पर आप लोगों को जैसे द्विघात है तो द्विघात समीकरण का घात कितना होगा, +2 होगा। ठीक है, माइनस में नहीं होता है घात, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। घात क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो द्विघात समीकरण का जो घात होगा यहाँ पे +2, उसी में अगर त्रिघात पूछ दिया जाए तब त्रिघात ये 3 हो जाएगा। ठीक है, घात, और ये होता है रैखिक समीकरण। ठीक है, जिसमें एक घात होता है सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ पर सही उत्तर 3 का A राइट हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न देखते हैं, sin²(45 + cos²(45) का मान निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि sin 45 का मान कितना होता है, sin²(45), यहाँ पे cos²(45 है। तो आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे यहाँ से, या तो इसका मान आप लिख सकते हो 1/√2 + 1/√2, दोनों को कैलकुलेशन करोगे तो 1/2 + 1/2 = 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर तो 1 आएगा, लेकिन एक फार्मूला और जानते हैं हम लोग कि sin²(θ + cos²(θ) जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो थीटा के जगह पे यहाँ पे कितना है, 45 डिग्री है, थीटा के जगह दोनों सेम होना चाहिए, या तो 60 डिग्री 60 डिग्री रहेगा या फिर 30 30 रहता, फिर भी आप इसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 4 का सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए फिफ्थ नंबर प्रश्न देखते हैं, हम लोग समझते हुए सारे क्वेश्चन को चल रहे हैं। ठीक है,
पांचवा प्रश्न है कि प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। देखिए प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है, इस प्रश्न का आंसर है आपका +1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जितना भी अधिकतम मान होगा वो 0 से 1 के बीच में ही होता है मान, ठीक है, 0 से 1 के बीच में। न्यूनतम होगा ये 0 और ये आपका क्या होगा, अधिकतम होगा, ठीक है। ये कभी नहीं होगा -1 और ये 2 कभी नहीं होगा, मतलब 0 से 1 के बीच में ही होगा, लेकिन अधिकतम मान पूछ दिया जाएगा तो बी, और ये आपका न्यूनतम है, ठीक है, समझ में आ रही ना। तो ऑप्शन नंबर 5 का भी क्या होगा, बी। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पाई है, देखिए पाई कौन सी संख्या है, तो हम लोग जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है। देखिए पाई एक कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या है, और इसी में अगर मान पूछ दिया जाए 22/7, 22/7 कौन सी संख्या है, देखो कन्फ्यूजन मत होना, पाई जब पूछा जाएगा पाई है तो अपरिमेय संख्या, जब 22/7 पूछा जाएगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आप लोगों को यहाँ से पूछे जाते रहे हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, पाई है एक अपरिमेय संख्या, मतलब इरेशनल नंबर है 6 का सी। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहा गया है कि बहुपद x² + 2x + 1 का एक शून्य कौन सा है। प्रश्न है x² + 2x + 1 का एक शून्यक, ठीक है, तो देखो शून्यक निकालने के लिए इसका मूल निकालना होगा, ठीक है, या फिर ऑप्शन जो दिया गया है उसमें से मान रखेंगे, इसका वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो वही इसका एक शून्यक होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे गुणनखंड पे, तो ये हो जाएगा x² + 2x + 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² के बराबर, फिर 2x को दो टर्म में लिखेंगे तो ये x + x, तो यहाँ पर x² + x + x + 1, ठीक है, तो यहाँ जगह x कॉमन लेंगे तो x + 1, फिर +1x + 1, तो ये हो जाएगा आपका x + 1 × x + 1। जब शून्यक पूछा जाएगा तो x + 1 = 0 कर देना है, तो x का मान क्या आ जाएगा, -1, यही इसका शून्यक हो जाएगा, ठीक है, दोनों शून्य क्या होगा, -1, क्योंकि ये आपका जो बहुपद है ये आपका समान बहुपद है, ठीक है, उसका मूल होगा समान, विवेचक इसका क्या होगा, विवेचक D = 0 होगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कहा गया है कि एक वृत्त है कोई, उस पर हम लोग कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। देखो मान लेते हैं ये कोई क्या है, आपका एक वृत्त है, तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, यहाँ से मान लेते हैं कोई बिंदु है, यहाँ फिर कोई बिंदु है, यहाँ फिर कोई बिंदु है, यहाँ फिर कोई बिंदु है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप लोगों को देखो ना कितना हम लोग खींच सकते हैं, समझ में आ रही है बात, तो ये आप लोगों को यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अनंत, जब बोला जाए कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं तो अनंत, जब ये पूछ दिया जाए कि एक वृत्त पर किसी एक बिंदु से हम लोग कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है, जब पूछा जाएगा कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं तो अनंत, जब बोला जाए कि एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं तो केवल और केवल 2, इसको आप लोग याद रखिएगा, 8 का सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं कि ये आंकड़ा कोई दिया गया है यहाँ पे डाटा, इसका बोला गया है परिसर निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए बोला जा रहा है, इसको आप लोग क्या करोगे, जब भी रेंज या परिसर निकालने के लिए बोला जाएगा तो परिसर बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, जितना हाईएस्ट मान है, तो हाईएस्ट मान यहाँ पे कितना है 30, लोएस्ट मान 9 है, इसको घटा देंगे 21, यही इसका क्या होगा, परिसर कहलाएगा, क्या होगा, रेंज कहलाएगा, परिसर मतलब इसका फार्मूला अगर बोला जाएगा तो उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, ठीक है, डाटा का, तो जो भी मान आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, तो 9 का सही उत्तर बी। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहा गया कि sin 90 - θ बराबर होगा, देखिए प्रश्न है कि sin 90 - θ जो बराबर होगा किसका, तो sin 90 - θ जो बराबर होगा वो होगा आपका cos θ के बराबर, क्या होता है cos θ, ये फार्मूला है, जैसे यहाँ पे cos 90 - θ अगर पूछा जाए तो ये होता है sin θ, ठीक है, अगर tan 90 - θ पूछा जाएगा यह होता है cot θ, अगर cot 90 - θ पूछा जाएगा
तो ये हो जाएगा टेन थीटा, समझ में आ रही ना। अगर यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। अगर कोसेक 90 माइनस थीटा पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। इस फॉर्मूला को आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे सही उत्तर 10 का सी। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस किया है, खास करके MCQ टाइप क्वेश्चन। इसी तरीके के वीडियोज मैं आप लोग को रोज़ आना यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सारे छात्र, ताकि इस तरीके के वीडियो जितने भी लेकर आएंगे आप लोग देख पाओगे और आसानी से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव समझ में आते रहेगा, ठीक है। तो डेली करके देखा करो, यहाँ पे आप लोग को डेली अपलोड होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय सभी को, और वीडियो को हर जगह शेयर जरूर कर दीजिएगा।